माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। और ये वीडियो है हमारे सेकेंड डे का आउटपुट। दोस्तों, हर डे का आउटपुट दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप क्लास देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को, और उनसे आउटपुट निकालना और फिर वीडियो लेना एक बहुत कठिन काम ये होता है, कि क्योंकि उनको बताने और उनको चीज़ें करवाने में बहुत टाइम निकल जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है वीडियो निकालना। तो ये वीडियो निकाल लिया है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देखेंगे, ये हमारे एसर टेलीकॉम के सेकेंड डे का आउटपुट है, जिसमें आप सुबह 8 बजे से क्लास से रात के 8 बजे तक क्लास का आउटपुट देखेंगे, जिसमें स्टूडेंट ने सेकेंड डे में सबने पावर आईसी डन की है। मतलब पावर आईसी निकाल के लगाई है, किसी ने एक बार, किसी ने दो बार, पर सबने डन कर लिए है। और उससे हमने कम तकरीबन दो तीन बार करवाई है, ताकि उनका जो रिबॉलिंग हो वो परफेक्ट हो जाए। जो उन्होंने फर्स्ट डे रिबॉलिंग की थी, सेकेंड डे में आप लाइव मोबाइल में रिबॉलिंग कर लिए और उनको लगा के सक्सेस कर लिया है, कि कहीं रिबॉलिंग ऐसा तो नहीं कि रिबॉलिंग करने के टाइम पे आईसी हीट हो गई हो, तो एक श्योरिटी ये हो जाती है कि हाँ, हमारी रिबॉलिंग डन है, परफेक्ट है। और आईसी निकालना लगाना हमारे आ गया है, क्योंकि पावर आईसी एक बहुत बड़ा मसला होता है मोबाइल फ़ोन में। और फ्रेशर स्टूडेंट को दोस्तों, और ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट हमारे पास बैठे हैं, वो भले ही 2-3 अपने आप को साल बताते हैं, पर ऑलमोस्ट वो सभी फ्रेशर ही होते हैं। वो उनको क्योंकि कनेक्टर्स का नॉलेज और मतलब नॉर्मल OCA और डिस्प्ले सब काम करके आते हैं, और जिनको आईसी लेवल पर नॉलेज होता भी है, तो वो सर्किट सप्लाई में यहाँ पर बहुत अच्छा नॉलेज ले पाते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने सारे स्टूडेंट से एक रिव्यू वीडियो लिया है, उनसे पूछे हैं हमने कि भाई आपने ही लगाया है, आपने किया है, कोई हमने तो नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आपके सामने फ़ोन रख दिया हो ऐसा, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बहुत पहले से भी ये वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर डाला है। दोस्तों, मैं आपको एक और बता दूँ कि अभी जैसे सेकेंड डे ही है, और आप देख सकते हैं कि एक महीने का कोर्स होता है हमारा, और दूसरे डे में हम पावर आईसी डन करा देते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। जो कि अब हम इसके बाद हमारा टारगेट इनका CPU 4G का CPU रहता है, और बस 4G के CPU में चल रहा है। अगर आपको 4G का CPU देखना है कि कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने नहीं, तो आप हमारे फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव हम उसमें दिखाते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 28 जुलाई का बैच है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, चारों तरफ आप थोड़ा सा दिखा दीजिए, तो ये देख सकते हैं हमारी 28 जुलाई का बैच है, और शाम की 8 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं अभी? 8 बज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी कितनी दिन की क्लास है अभी, कौन कितने दिन हुए आपको? दो दिन हुए। यस सर। पहले दिन जब आए थे तो क्या करा गया था? आईसी रिबॉलिंग। रिबॉलिंग करा गया, तो सबने रिबॉलिंग किया था? यस सर। दिखाइए एक बार, सबने रिबॉलिंग कर लिया था? Yes, sir. फिर उसके बाद देव सर की क्लास हुई थी, तो कैसी रही देव सर की क्लास? समझ में आया? Yes, sir. फिर उसके बाद जब देव सर की क्लास हुई, तो आपको शाम में आपको प्रैक्टिकल कराया गया, तो जो पढ़ा आपने वो प्रैक्टिकल में मिला कि नहीं मिला आपको? Yes, sir. फिर सेकंड दिन का मॉर्निंग की क्या क्लास थी, आप बताइए? सेकेंड दिन में क्या करा गया? सेकेंड दिन आज की क्लास में पावर आईसी, जब आपको पहले आपको जो ट्रिक दिखाया गया, तो कोई डेड सेट में दिखाया गया था कि ऑन सेट में दिखाया गया? ऐसा तो नहीं कि बंद सेट में निकाल करके दिखा दिया गया? चालू सेट में दिखाया गया था ना? एक बार की दो बार दिखाया गया था? दो बार दिखाया गया था ना? ऐसा तो नहीं एक बार बता दिया हो फिर बोल दिया गया कि आप कर लीजिए, ऐसा नहीं था ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फिर किन किन ने पावर आईसी आज लगाया? सभी लोगों ने लगाया ऑलमोस्ट? यस सर। ये आप देख सकते हैं, और एक बार आप बोर्ड में भी आप देख सकते हैं, सभी लोगों ने यहाँ पे पावर आईसी यहाँ पे लगाया हुआ है। जैसा कि मैं बता दूं, आप इसको लाइव भी देख सकते हैं एसे टेलीकॉम में साइड में जाकर के, आप इनका लाइव और इनका पर्सनल व्यू भी आप देख सकते हैं। तो सभी लोगों ने यहाँ पे पावर आईसी निकाल के लगाया? Yes, sir. ऐसा तो नहीं आपने पावर आईसी निकाल के लगाया? Yes, sir. किस फोन में लगाया आपने? Redmi 5, क्योंकि आपने देखा ज्यादातर सभी लोगों ने जियो फोन में लगाया। किस में लगाया? जियो फोन। पर आपने डरा नहीं कि इधर दिखाइए थोड़ा सा, आपने ये नहीं सोचा कि हम एक स्मार्टफोन में कर रहे हैं, कहीं हम पावर आईसी निकाले डेड हो जाएगा, एक डर लग रहा था कि नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? आईसी रिबॉलिंग का मतलब पहले से किया था सर, आईसी रिबॉलिंग फर्स्ट दिन में हमने कर लिया था, सेकंड दिन में अगर वो डेड भी हो जाता तो भी हम मनाते। यस, अगर वो डेड भी हो जाता तो भी हम मनाते। तो फर्स्ट टाइम में चालू हुआ, सेकंड बार में? सेकंड बार में चालू हुआ। पहली बार में क्या दिक्कत हुई थी? आप पहली बार में रिबॉलिंग अच्छे से नहीं हुई थी, और आईसी अच्छे से नहीं बैठी थी। फिर सेकंड बार में आपने उसको अच्छे से रिबॉल करके लगाया और चालू हो गया। तो सभी ने किया है कि नहीं किया है? Yes, अगर आपको पावर आईसी दे दी जाए तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? Yes, ये आप दिल से बोल रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? अच्छा, छोटी सी बात, जो आप रिव्यू देख करके आए थे, तो क्या वो रिव्यू सही है कि फेक है? सही है। जो आज आप रिव्यू दे रहे हो वो रियल है कि फेक है? सही है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेंट की क्लास आपकी खत्म हो चुकी है, तो अभी भी कॉम्प्लेंट में किसी को डाउट है? नहीं सर। अगर
इसकी रजिस्टर कैपेसिटर है और अगर इसकी पहचान चेकिंग ये आपसे पूछी जाए तो यहाँ पे आप उसको चेक कर लेंगे, उसकी वैल्यू बता लेंगे, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल कराया गया उस चीज का कि नहीं कराया गया। तो क्या बोलना चाहेंगे अगर दो सब में क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे दो दिन की क्लास में आप सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे? सीख पाएंगे क्योंकि आगे आपके भी पूरी क्लास बची हुई है, अभी आपका पूरा सेक्शन बचा हुआ है, अभी आपको ब्लैक पेस्टेड भी करना है, यहाँ पे आपको व्हाइट पेस्टेड, फिर आपको सॉफ्टवेयर की क्लास करना है, फिर आपको एमएमसी की क्लास करना है, ये सारा आपको कंटेंट अभी दिया जाएगा। तो छोटा सा एक आपसे पूछा जाएगा, आपने किया यहाँ पे? Yes, sir. आपने पावर आईसी निकाला था? Yes, sir. कौन से फोन में निकाला था? लावा का फोन था। लावा का फोन था, उसमें तो सीपीयू लावा एक ही होता है। Yes, sir. तो आपने किया कि नहीं किया था? Yes, sir. कितनी बार में जॉब डन हो गया? एक बार में जॉब डन हो गया था। कैसा लग रहा अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। आप सभी को ऑलमोस्ट कैसा लग रहा है अभी दो दिन में आपने पावर डन कर दिया? बहुत अच्छा। आप दिल से बोल रहे हो? यस सर। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो। चलिए चालू करिए, यहाँ पे प्रेस करके करिएगा, नहीं तो वहाँ पे पावर की है, यहाँ पे प्रेस करिएगा। चलिए तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये MI का लोगो आ गया है, मतलब ये फ़ोन चालू था, फ़ोन हमारा ये देखिए फर्स्ट बूट हुआ, अभी सेकंड बूट भी हो जाएगा और ये फ़ोन प्रॉपरली ऑन हो चुका है। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? हाँ, देखिए सेकंड बूट भी फ्रेंड हो चुका है हमारा यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे सामने देखिए? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आपने फर्स्ट टाइम किया है यहाँ पे? हाँ। कहाँ पे सीखा आपने ये? ये यहीं एशिया टेलीकॉम में। तो अगर आपको कोई देख रहा है छत्तीसगढ़ से तो क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ आना चाहिए और यहाँ MC का काम सीखना चाहिए। आप बिल्कुल फ्रेशर थे कि पहले काम करते थे? फ्रेशर हूँ सर। बिल्कुल फ्रेशर थे, तो आपको कैसा लग रहा है अब आप फ्रेशर हैं? केवल दो दिन की क्लास हुई है मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ का जो नॉलेज है ये देख सकते हैं, प्रॉपर फोन ऑन हो चुका है फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी थोड़ा सा लो है, बाकी प्रॉपरली फोन ऑन हो चुका है। इस फील्ड में कब से काम कर रहे थे दिनेश आप? सर तीन साल से काम कर रहे हैं। और IC को पहली बार फिक्स किया आपने? यस सर, पहली बार ही में हो गई। पहली बार फिक्स किया, पहली बार में किया और आपने पहली बार में हो गई। यहाँ के टीचर लोग कैसा समझाते हैं आपको? सर ये बहुत ही जबरदस्त बेसिक नॉलेज देते हैं, उसी के दम पे ये सर सेट चालू हो गया। तो ये कोई बहुत लेंदी प्रोसेस थी IC निकालने लगाने की? क्या इसको इजी करके बताया कि नहीं आपको? सर प्रोसेस तो थोड़ा हार्ड है सर, लेकिन बताने का तरीका इतना अच्छा है कि अगर आदमी स्टेप बाय स्टेप चले तो गलतियाँ नहीं होंगी। बिल्कुल। क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई हरियाणा से एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करे तो? कभी भी आ सकता है सर, मोस्ट वेलकम है।
और सर जितना ये वीडियो में दिखा रहे हैं ना उससे कहीं ज्यादा दे रहे हैं हमें। तो अभी आपको कैसा लग रहा है अंदर से सर? बहुत, क्योंकि अभी केवल दो दिन की क्लास हुई है, आगे चल के अभी और भी आपके पूरे सेक्शंस बचे हुए हैं। तो आपने क्लास में चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, लेकिन नॉलेज बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त ट्रिक है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये फेक रिव्यू लग रहा है, आप फेक रिव्यू दे रहे हो, सही से दे रहे हो, दिल से दे रहे हो? बिल्कुल सर। चलिए दूसरी बार में बनी है, दूसरी बार में बनी है। क्या कहना चाहेंगे जो आपको स्टूडेंट देख रहे हैं? आप कोई भी मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, आप बढ़िया तरीके से एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें और कहीं इधर उधर जाकर ना अपना पैसा बर्बाद करें और एक जगह पैसा लगा के पूरा नॉलेज लें। फोन पावर आईसी से फिक्स किया है इन्होंने, क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई राजस्थान चित्तौड़ से आना चाहे तो? बहुत ही अच्छा डीपली नॉलेज देते हैं। आपका जो डिसीजन था यहाँ आने का उसमें आप सेटिस्फाई हैं, खुश हैं? हम खुश हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। कैसा फील हो रहा है आपको? अब अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, उससे किया आपने यहाँ पे? यस सर। चलिए क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको जो स्टूडेंट देख रहा है? आप फ्रेशर थे कि इससे पहले आईसी का काम किया है आपने? नहीं सर, कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। अब आपको कोई भी आईसी दे दी जाए रिवॉल्विंग कर लेंगे आप? यस सर। अगर दोबारा आपको पावर इसकी बोला जाए तो निकाल के लगा देंगे आप? निकाल के आप लगा देंगे। सेफ्टी का नॉलेज आपको दिया गया यहाँ पे? यस सर। कवर करके यहाँ पे साहब क्या बोलना चाहेंगे, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और जो देख रहे हैं मतलब देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा, आइए और नॉलेज लीजिए। और अच्छा, यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो बनाई जा रही है क्या स्टूडेंट से? जो काम कर रहे हैं उनका ही वीडियो बन रहा है कि उनसे बोला जा रहा है कि आप ये वीडियो बनाइए, रिव्यू दे रहे हैं? जो काम कर रहे हैं उनका ही वीडियो दे रहा है। चलिए थैंक यू आपको। बहुत अच्छा। ये आईसी पहली बार लगाई है, इसके पहले भी लगा चुके हो आप? पहली बार लगाई। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ओके, थैंक यू। शायद क्या बोलेंगे आप एशिया टेलीकॉम के लिए? सर बहुत बढ़िया। और आने वाले स्टूडेंट के लिए एशिया टेलीकॉम में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बेस्ट एकदम। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कोई एशिया टेलीकॉम आया तो क्या बोलना चाहेंगे आप नए स्टूडेंट? बिल्कुल बेफिक्र आ सकते हैं और काम एक नंबर होता है सर। ओके, थैंक यू। सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। इसके पहले आईसी लेवल पर काम किए थे आप? नहीं सर। अभी यहीं आगे किए? क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई स्टूडेंट आना चाहे एशिया टेलीकॉम तो? ओके, थैंक यू वेरी मच। नया स्टूडेंट आए तो सर यहाँ के अलावा और कहीं नहीं जाए, अगर अच्छा सीखना है तो यहीं आए एशिया टेलीकॉम में। इसके पहले आप आईसी पे काम करते थे? नहीं सर। ये पहली बार कर रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। वन टाइम में आपने आईसी निकाला, रिवॉल्व किया, लगाया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा विजय, ये बताइए आप कितने साल से इस फील्ड में? करीब 7-8 साल से। 7-8 साल से आईसी लेवल पे काम कहाँ करते थे आप? क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं किया। रिवॉल्विंग भी पहली बार की, आईसी भी पहली बार लगाई, और वो भी कितने दिन में लगाई आपने? सिर्फ 2 दिन में। 2 दिन में। तो अगर राजस्थान से कोई आना चाहे तो क्या कहेंगे आप? मैं चाहूंगा कि एशिया टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करें। देव सर कैसा पढ़ाते हैं? देव सर का नॉलेज तो बहुत जबरदस्त। ओके, थैंक यू वेरी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड डे आपने सीपीयू लेकर निकाल के फिक्स लगा के फिक्स कर दिया आपने? इसके पहले काम करते थे आप आईसी लेवल पे? 2 दिन पे आप आईसी रिवॉल्व करना और आईसी लगाना भी सीख गए आप? ठीक है, ओके। कोई महाराष्ट्र से आना चाहे तो क्या बोलेंगे आप? तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। इससे पहले आपने कभी आईसी लेवल पे काम किया था? नहीं सर। कहाँ पे सीखा आपने? मैंने सर कहीं पे नहीं सीखा, जैसे सॉफ्टवेयर का काम करता था और असेंबली का काम करता था, आईसी का काम कभी नहीं किया। कंपोनेंट कैसा लग रहा है अभी आपको? अभी अभी सर बहुत अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये काम कर पा रहा हूँ मैं, और हालांकि एक ही ट्रिक में हो गया, शायद से जो ट्रिक दिखाया था वही ट्रिक इस्तेमाल किया मैंने। जी जी, वही ट्रिक में 2 मोबाइल मैंने कर दिया। ओके, 2 मोबाइल आपने कर दिया? 2 मोबाइल। चलिए था, चलिए, थैंक यू सो मच। जी सर। 2 दिन में आपने रिवॉल्विंग भी किया, आईसी फिक्स करना भी सीखा? जी सर। क्या बोलना चाहेंगे? एशिया टेलीकॉम बहुत अच्छा है सर। और नया स्टूडेंट आना चाहे तो क्या बोलेंगे आप उसके लिए? आना चाहिए कि नहीं एशिया टेलीकॉम में? बहुत अच्छा है। ये कोई फर्जी है रिव्यू? नहीं सर, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। ये जबरदस्ती करवा रहे हैं आपसे काम? ठीक है, खुद से कर रहे हैं ना आप? जी सर। किसी ने मदद करी आपकी? नहीं सर। ओके, थैंक यू। और आपको एकदम बढ़िया फील हो रहा है। अगर गुजरात से कोई नया स्टूडेंट आना चाहे तो क्या बोलेंगे आप एशिया टेलीकॉम में? बाकी आपने खुद से किया हुआ है तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले आपने कभी भी आईसी लेवल पे काम नहीं किया था, अब आप हमें बताइए कैसा अभी ये फोन प्रॉपर ऑन? देव सर के पढ़ाने का तरीका कैसा है आपको? कॉम्पोनेंट का नॉलेज है अभी आपको, क्योंकि सेकंड दिन की क्लास हो चुकी है, फिर उसके बाद आपको कॉम्पोनेंट का नॉलेज जो होगा, तो अभी कोई भी कॉम्पोनेंट उसकी चेकिंग और उसको देख करके पहचान सकते हैं? आने वाले स्टूडेंट को राजस्थान से क्या बोलेंगे आप?
तो आप ऐसा तो नहीं फेक रिव्यू दे रहे हो आप, दिल से दे रहे हो आप, सच बता रहे हो? चलिए थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आपने किया है? कहाँ पे सीखा आपने ये? ऐसा टेलीकॉम में सीखा? तो क्या कहना चाहेंगे जो एज अ फ्रेश स्टूडेंट आना चाहे यहाँ पे? बिल्कुल आए तो अपने लाइव आपने पहली क्या बोलना चाहेंगे गुजरात के से कोई अगर स्टूडेंट आता है तो? देव सर के साथ समझाते हैं? क्या क्लास थी देव सर के साथ आज आपकी? कंपोनेंट्स में क्या था? ओके, आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक बताने के बाद आपने खुद से किया है? खुद से किया। सोहेल अगर यूपी से अगर कोई स्टूडेंट आना चाहे तो क्या बोलोगे आप? कहीं और ना जाए, सिर्फ यहीं आए। ऐसा ठीक है, ओके थैंक यू। आप क्या कहेंगे आप एशिया टेलीकॉम के नए आने वाले स्टूडेंट के लिए अगर कोई आसाम से आता है तो? अच्छा, ये कोई रिव्यू आपका फर्जी हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर। या दबाव में हो रहा है? नहीं सर। ये काम आपको कोई टीचर ने करके दिया क्या? नहीं सर, मैंने खुद किया है। आपने खुद से किया? हाँ सर। टीचर ने आपको समझाया, समझाने के बाद आपने खुद से किया? कहाँ सीखा आपने? कहाँ पे? एशिया टेलीकॉम में आपने सीखा? यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ही देख सकते हैं, प्रॉपर ये फोन ऑन हो चुका है। और यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान बताया गया कि नहीं बताया गया? सेफ्टी का ध्यान बताया गया है, सारे चीज़ जो ज़्यादा वो तो नहीं लगता कि बहुत टफ है? टफ नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे तो सारा चीज़ आप देख सकते हैं, हो सकता है। तो चलिए ठीक है, ऐसे ही बने रहें और लाइव वीडियो देखने के लिए हमारे ऐसे टेलीकॉम पेज पर जाएँ और आपको ये लाइव प्रैक्टिकल भी देखने को मिल जाएगा। जाइए और एसर टेलीकॉम लिख दीजिए खाली और उसमें मेन पेज हमारा है उस पर जाइए तो आपको डेली की हमारी रनिंग क्लासेस आपको आउटपुट मिलेगा और बहुत कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। उसके अलावा भी हम बहुत कुछ छोटे छोटे वीडियो डालते हैं उसमें और ट्रिक एंड जो भी चीज़ें हम डाल सकते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कॉलिंग कीजिए अभी और अपनी सीट बुक कराइए, ये चांस आपसे छूट ना जाए। थैंक यू वेरी मच। गुजरात से? वेरी गुड। आ रहा हूँ, बताइए कहाँ से आप? यूपी से। वेरी गुड। डीसी टू डीसी जैकेट कहाँ से आप? गुजरात से। उज्जैन से। उज्जैन से। अच्छा, अपनी जगह का नाम बता दीजिए। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और किसने बताइए कहाँ से आप? नेपाल से। कॉपी तो नहीं किया ना किसी ने? हो गया। कहाँ से आप? महाराष्ट्र मुंबई। महाराष्ट्र मुंबई से। दिखाओ। आसाम से। महाराष्ट्र। झारखंड। झारखंड से। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। नेपाल से। देखिए डीसी टू डीसी जैकेट नेपाल से। कहाँ से आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र पुणे। झारखंड। वेरी गुड। गुजरात से। राहुल बिहार से। देखिए डीसी टू डीसी आसाम। कहाँ से? कर्नाटक से। वेरी गुड। एक कर्नाटक लैंग्वेज में बताओ आपका रिव्यू दो लाइन में कि टेलीकॉम जॉइन करने का ये सही रहा? डीसी आपको क्लास एक बार और फिर से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं एशिया टेलीकॉम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? वर्ल्ड का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन?